हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, कैसे हैं बच्चों आप सब लोग। स्वागत है आपका आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। चलिए आज हम पाठ प्रारंभ करते हैं आपकी तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तिका बाय अमित पब्लिकेशन से पाठ 6, जिसका नाम है, जिसका शीर्षक है संसार पुस्तक है। जी हाँ, ये देखिए चित्र बने हुए हैं। इन चित्रों को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हमारे देश के महान नेताओं के चित्र हैं। ये हैं चाचा नेहरू, प्रधानमंत्री जो थे, पहले प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ये जिन्हें दुनिया हम सब लोग बहुत प्यार से बापू कहते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, और ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अब हम चलते हैं पाठ प्रवेश। पत्र लेखन अत्यंत प्रभावशाली साधन है। इस साधन के द्वारा अनेक लोगों से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। पत्रों के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपनी बात तरीके और सहजता से पहुंचा सकता है। रिश्तेदारों को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। जो रिश्तेदारों को हम पत्र लिखते हैं तो उन पत्रों को क्या बोलते हैं? अनौपचारिक। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। ये पत्र जो है, मैं आपको बता दूं, ये पत्र लिखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को, ठीक। और उन्होंने इसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं, बहुत सारी बातें अपनी बेटी को समझाई हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रिय इंदिरा, मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में तुम्हें बहुत सी बड़ी बड़ी बातें भी बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को तुम भी शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी ना मिला होगा। ये तो तुम जानते ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी ना था। आदमियों के पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब धरती पर कोई भी जानदार चीज़ ना थी। आज यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है। उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ ना था, लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब ये धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ रह ही नहीं सकती थी, मतलब इतनी गर्म थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें, पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें, तो हमें मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। तुम इतिहास किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था, किताबें कौन लिखता? तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम होंगी? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। यह बड़े मज़े की बात होती, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानी गढ़ लेते, लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है? लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने ज़माने में लिखी हुई किताबें ना होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। अब अगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगे। ये कौन लिखा है, ये किसने लिखा है बच्चों? ये लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा को। आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितने मज़े की बात है कि एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो, यानी कि तुम्हें उसे समझना आता हो। कोई ज़बान, उर्दू, हिंदी या अंग्रेज़ी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी
पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बताता, ये कैसे गोल चिकना और चमकीला हो गया और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए। अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता, फिर भी ये रोड़ा कैसे इतना चमकीला चिकना और गोल हो गया। अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। रात को तुम आसमान में हजारों सितारे देखती हो, इनमें से थोड़े से ग्रह हैं और बाकी सितारे हैं। क्या तुम बता सकती हो ग्रह और सितारों में क्या फ़र्क है? आप भी ऊपर देखते हैं ना, आपको लगता है सारे सितारे हैं, बट वो सारे सितारे नहीं हैं, उसमें से कुछ ग्रह भी होते हैं। तो ग्रह और सितारों में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है? ग्रह हमारी ज़मीन की तरह सितारों से बहुत छोटे होते हैं, लेकिन आसमान में वे बहुत बड़े नज़र आते हैं क्योंकि ज़मीन से उनका फासला कम है। तो ठीक ऐसे ही समझो जैसे चांद, जो बिल्कुल बच्चे की तरह है, हमारे नज़दीक होने की वजह से इतना बड़ा मालूम होता है, लेकिन सितारों और ग्रहों के पहचानने का असली तरीका ये है कि वह जगमगाते हैं या नहीं। सितारे जगमगाते हैं, ग्रह नहीं जगमगाते। इसका सबब ये है कि ग्रह सूर्य की रोशनी से चमकते हैं। चांद और ग्रहों में जो चमक हम देखते हैं वह धूप की है। असली सितारे बिल्कुल सूरज की तरह हैं, वे बहुत गर्म जलते हुए गोले हैं जो आप ही आप अपने आप चमकते हैं। दरअसल सूरज खुद एक सितारा है, हमें यह बड़ा आग का गोला सा मालूम होता है इसलिए कि ज़मीन से उसकी दूरी और सितारों से कम है। इससे अब तुम्हें मालूम हो गया होगा कि हमारी ज़मीन भी सूरज के परिवार में सौर जगत में है। हम समझते हैं कि ज़मीन बहुत बड़ी है और हमारे जैसी छोटी सी चीज़ को देखते हुए वह है भी बहुत बड़ी। अगर किसी तेज़ गाड़ी या जहाज़ पर बैठो तो इसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने में हफ्तों और महीनों लग जाते हैं, लेकिन हमें चाहिए कितनी भी बड़ी दिखाई दे, असल में यह धूल के एक कण की तरह हवा में लटकी हुई है। सूरज ज़मीन से करोड़ों मील दूर है और दूसरे सितारे इससे भी ज़्यादा दूर है। अब आपको पता चल रहा है कि कितनी दूर है। पिछले खत में मैं तुम्हें बतला चुका हूँ कि ज़मीन हूँ कि बहुत दिनों तक ज़मीन इतनी गर्म थी कि कोई जानवर जैसी चीज़ उस पर रह ही नहीं सकती थी। बच्चों इतनी गर्म ज़मीन थी पहले। तुम पूछोगी कि ज़मीन पर जानदार चीज़ों का आना कब शुरू हुआ और पहले कौन कौन सी चीज़ें आईं। यह बड़े मज़े का सवाल है पर इसका जवाब देना आसान नहीं है। पहले यह देखो कि जान है क्या चीज़। शायद तुम कहोगी कि आदमी और जानवर जानदार हैं, लेकिन दरख्तों और झाड़ियों फूलों और तरकारियों को क्या कहोगी। यह मानना पड़ेगा कि वे सब भी जानदार हैं। वे पैदा होते हैं, पानी पीते हैं, हवा में सांस लेते हैं और फिर मर जाते हैं। दरख्त और जानवर में खास फ़र्क ये है कि जानवर चलता फिरता है और दरख्त हिल नहीं सकते। तुमको याद होगा कि मैंने लंदन के क्यू गार्डन में तुम्हें कुछ पौधे दिखाए थे। ये पौधे जिन्हें आर्किड और पिचरक कहते हैं सचमुच मक्खियाँ खा जाते हैं। इसी तरह कुछ जानवर भी ऐसे हैं जो समुद्र के नीचे रहते हैं और चल फिर नहीं सकते। स्पंज ऐसा ही जानवर है। कभी कभी तो किसी चीज़ को देखकर ये बतलाना मुश्किल हो जाता है कि ये पौधा है या जानवर। जब तुम वनस्पति शास्त्र, पेड़ पौधों की जो विद्या होती है उसको बोलते हैं वनस्पति शास्त्र, या जीवशाला जिसमें जीव जंतुओं का हाल लिखा होता है पढ़ोगी तो तुम इन अजीब चीज़ों को देखोगी जो ना जानवर है ना पौधे। कुछ लोगों का ख्याल है कि पत्थरों और चट्टानों में भी एक किस्म की जान है और उन्हें भी एक तरह का दर्द होता है, मगर हमको इसका पता नहीं चलता। शायद तुम्हें उन महाशय की बात याद होगी जो हमसे जेनेवा में मिलने आए थे। उनका नाम है सर जगदीश बोस। उन्होंने परीक्षण करके साबित किया है कि कुछ पौधों में बहुत कुछ जान होती है। इनका ख्याल है कि पत्थरों में भी कुछ जान होती है। तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। तो बच्चों ये था हमारा आज का पाठ जो हमने देखा, जो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को लिखा था।
और उन्होंने इसमें बहुत कुछ इंदिरा जी को समझाया था। और अब हम चलते हैं कठिन शब्द पर, जरूर कहानियाँ इतिहास परियों हड्डियों गढ़ करोड़ों और दरख्तों। और इसके बाद क्या है, इसके बाद है शब्दार्थ, जानदार यानी सजीव, विद्वान यानी अधिक शिक्षित, रोड़ा यानी ईंट का टुकड़ा, शर्त प्रतिज्ञा, नुकीला यानी नोकदार, अक्षर यानी शब्दांश, सबब का अर्थ है कारण, नज़दीक का अर्थ है समीप, दरख्त यानी पेड़, परीक्षण का अर्थ है जांच, किस्म का अर्थ है प्रकार और तरकारी का अर्थ है शाक या सब्जी। और अब हम करने जा रहे हैं, क्या करेंगे अब हम, अब हम करेंगे प्रश्न उत्तर। इन्होंने सबसे पहले पूछा है धरती कितने वर्ष पुरानी है, धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। किताबों द्वारा हम क्या जान सकते हैं, किताबों द्वारा हम पुराना इतिहास जान सकते हैं, दुनिया के बारे में जान सकते हैं कि पहले दुनिया कैसी थी। अपने मन की बातें हम कितने प्रकार से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, अपने मन की बातें हम बोलकर पहुंचा सकते हैं, खतों द्वारा पहुंचा सकते हैं कि हम एक दूसरे को जब हम पत्र लिखेंगे उसके द्वारा पहुंचा सकते हैं, और हम फ़ोन के द्वारा पहुंचा सकते हैं, और आज की डेट में हम सब लैपटॉप फ़ोन मोबाइल किताब लिखना और बोलने हर तरह से हम अपनी मन की बातें दूसरे तक पहुँचा सकते हैं। प्रकृति के अक्षर क्या होते हैं, प्रकृति के अक्षर होते हैं जैसे चाँद तारे पत्थर का रोड़ा टुकड़ा पहाड़ जानवरों की हड्डियाँ, ये सब क्या हैं जो हमें प्रकृति में दिखाई देता है, इसी को हम बोलते हैं प्रकृति के अक्षर। और अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें करना है सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमसे पूछा है उर्दू हिंदी अंग्रेजी सीखने के लिए हमें पहले क्या सीखना होगा, अक्षर इतिहास यात्राएं या शब्द। हमें कोई भी भाषा सीखने के लिए सबसे पहले उसके अक्षर सीखने होंगे। संसार शब्द में कितनी मात्राएं, संसार संसार शब्द में दो सन ऊपर बिंदु वो मात्रा और एक आ संसार, तो इसमें दो मात्राएं हैं। नदी शब्द का पर्यायवाची क्या है, नहर गामिनी सरिता या जल, नदी शब्द का पर्यायवाची सरिता। नेहरू जी इंदिरा गांधी के क्या थे, पिता भाई मामा या चाचा, नेहरू जी इंदिरा गांधी के पिता थे। और अब हम क्या करने जाएंगे बच्चों, अब हम करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति। यह धरती लाखों करोड़ों पुरानी है, लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी। एक समय ऐसा था जब धरती बेहद गर्म थी। तुम किताबों में ही पढ़ सकते हो, क्या किताबों में ही पढ़ सकते हो, तुम इतिहास किताबों में ही पढ़ सकती हो। रात को तुम में हजारों सितारे देखते हो, कहाँ पे, रात को तुम आसमान में हजारों किताबें देखती हो। और अब हमें क्या करना है, हमारे सौरमंडल के ग्रहों के नाम, तो हमारे सौरमंडल जो है में आठ ग्रह हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस और नेपच्यून। ये हमारे सौरमंडल के ग्रहों के नाम हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस एंड नेपच्यून। और अब है प्रश्नों के उत्तर, सूरज पृथ्वी से कितना दूर है। अब है प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, सूरज पृथ्वी से कितना दूर है। सूरज पृथ्वी से 93 मिलियन दूर है। धूल के कण के समान क्या लटकी हुई है, धूल के कण के समान हमारी जमीन लटकी हुई है। संसार की पुस्तक का छोटा सा प्रश्न क्या है, संसार की पुस्तक का छोटा सा प्रश्न है जमीन में पड़ा हुआ एक छोटा सा रोड़ा या पहाड़ के पास पड़ा हुआ एक छोटा सा
कंकड़। दुनिया का हाल बिना किताब पढ़े कैसे जाना जा सकता है? हम वो ऐसे जान सकते हैं जब हम खुद संसार रूपी किताब को पढ़ें। हम ऐसे जान सकते हैं जब हम खुद संसार रूपी किताब को पढ़ें, तब हम दुनिया का हाल बिना किताब पढ़े जान सकते हैं। नेहरू जी अपनी बेटी को पहाड़ को पढ़ने के लिए क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि वह स्वयं दुनिया को जाने कि दुनिया कैसी है, दुनिया में क्या क्या हो रहा है, दुनिया में क्या क्या नहीं होना चाहिए, दुनिया किस तरह से है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वह स्वयं इसकी जानकारी ले। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रह और तारों में क्या अंतर है? बच्चों, ग्रह और तारों में ये अंतर है कि ग्रह जो होते हैं वो इतने चमकते नहीं हैं, लेकिन जो तारे होते हैं, सितारे होते हैं, वो ज़्यादा जगमगाते हैं, उनकी रोशनी ज़्यादा तेज होती है। तो ये अंतर है ग्रहों में और तारों में। ग्रह कम चमकते हैं लेकिन सितारे बहुत ज़्यादा चमकते हैं। तो बच्चों, अभी हमने ये प्रश्न उत्तर करे थे और हमने इस पाठ के माध्यम से जाना कि नेहरू जी ने अपनी बेटी को कितना अच्छा खत लिखा था और उन्होंने उसमें कितनी सारी उन्होंने जानकारियाँ दी थी। और अब है पढ़ने के लिए साबुन और मछली। साबुन और मछली पढ़कर कुछ अजीब लगता है ना? साबुन और मछली में भला क्या संबंध हो सकता है? इसे समझने के लिए पानी के एक विशेष गुण को समझना पड़ेगा और वह गुण ये है कि पानी अधिकांश चीज़ों से नहीं चिपकता है। यदि हमारे हाथ पर मिट्टी या सूखा गुलाल या कोयले का चूना लग जाए तो हम पानी से हाथ धोते हैं। इससे होता ये है कि मिट्टी या गुलाल या कोयले से पानी चिपक जाता है और उसे बहाकर ले जाता है और हाथ को साफ कर देता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनसे पानी नहीं चिपकता, जैसे तेल, घी, मक्खन, ग्रीस, मोम आदि। इन्हें वसा या चिकनाई कहते हैं। ये चीज़ें हाथ पर लग जाएं तो केवल पानी पर धोने से नहीं छूटती। अब मछली की बात पर तो आते हैं। समुद्र में एक प्रकार की मछली पाई जाती है जिसे चूषक मछली यानी सकर फिश कहते हैं। इस मछली के सिर पर जाली की तरह एक रचना होती है जिसे इसे चूषक यानी सकर कहते हैं। देखिए, जाली की तरह एक रचना है। इस चूषक की सहायता से मछली पानी में रहने वाले बड़े जीवों, मतलब पानी में रहने वाले जो बड़े बड़े जीव होते हैं, शार्क या व्हेल के शरीर पर चिपक जाती है। लेकिन यह उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। यह तो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए बिना पैसे की सवारी में इन बड़े जीवों का उपयोग करती है। साथ ही इनके मुंह से गिरने वाले भोजन के टुकड़ों से अपना पेट भी भर लेती है। समुद्र में मछली पकड़ने वाले मछुआरे कछुए पकड़ने के लिए चूषक मछलियों को पालते हैं। कछुआ नजर आते ही वे पालतू मछलियों की पूंछ पर एक मजबूत रस्सी बांधकर उन्हें समुद्र में छोड़ देते हैं। मछली सीधे जाकर कछुए की पीठ पर मजबूती के साथ चिपक जाती है। फिर मछुआरा जब चूषक मछली की पूंछ से बंधी रस्सी को खींचता है तो मछली और कछुआ दोनों खींचे चले आते हैं। अब बात साबुन की। हमने देखा कि चिकनाई वाले पदार्थों से पानी नहीं चिपकता, उनसे पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन साबुन एक ऐसा पदार्थ है जो चिकनाई से भी चिपकता है और पानी से भी। इसलिए हम चिकनाई पर साबुन लगाते हैं और साबुन उससे चिपक जाता है और फिर पानी से धोने पर साबुन पानी से चिपक कर निकल जाता है। वह अपने साथ चिकनाई को भी ले जाता है तो चिकनाई हुई कछुआ और साबुन हुआ चूषक मछली। तो समझा आपने बच्चों कि कितनी समझदार होती है ये चूषक मछली, है ना? तो इसके साथ हमारा पाठ समाप्त होता है। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आते हैं, तब तक के लिए आभार।